हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी तो बच्चों आज की जो क्लास रहेगी उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टाइल्स की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं और पिछले जो वीडियोस हैं उसमें हमने रेंज के बारे में डिटेल में समझा कि रेंज क्या होती है कॉडल डेविएशन क्या होता है मीन डेविएशन क्या होता है अबाउट मीन क्या होता है अबाउट मीडियन क्या होता है ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ वहां पर जाकर आप उसको देख लें समझ लें ताकि आपको पीछे की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ

माइनस टू यानी आंसर आ गया इसका ट्वेंटी थ्री ये होगी रेंज चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर कहते हैं कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो भैया आपको क्वार्टाइल तो पहले चाहिए क्वार्टाइल निकालना है तो उस डेविएशन के लिए क्या चाहिए आपको क्यू वन और क्यू थ्री ठीक है ये दोनों का डाटा आपको चाहिए तो क्यू वन की वैल्यू हम निकालते हैं क्यू वन के लिए पहले देखते हैं कि एन कितना है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो एन दे रखा है आपको एलेवन ठीक है एन जब इलेवन दे दिया तो क्यू वन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर क्योंकि क्वार्टाइल है ये चार पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो क्यू वन के लिए आपको देखना है कि भाई एन प्लस वन बाई फोर्थ नंबर पर कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है ठीक है कौन सा डाटा आ रहा है तो एन हमारे पास इलेवन है तो एन वन, वन लिख दिया है इलेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर तो आ जाएगा ट्वेल्व बाय फोर मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन अब डाटा को यहाँ पर आपको आगे प्रोसीड करने से पहले ध्यान रखना है कि डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है है तो ठीक है नहीं है तो भैया कर लेंगे तो यहाँ पर देखो पंद्रह बीस बाईस अट्ठाईस पैंतीस सत्ताईस ये बीच में सत्ताईस गड़बड़ कर रहा है बस तो हम क्या करते हैं डाटा को रीअरेंज कर लेते हैं पहले लिखते हैं हम फिफ्टीन फिर लिखते हैं ट्वेंटी फिर ट्वेंटी टू फिर ट्वेंटी सेवन फिर ट्वेंटी एट फिर थर्टी फाइव एक बार चेक कर लूँ कहीं ट्वेंटी सेवन गलत तो प्रिंट नहीं है नहीं ट्वेंटी सेवन है चलो फोटो फोर्टी फोर थर्टी फाइव के बाद फोर्टी फोर फिर फोर्टी एट फिर फिफ्टी बाकी तो सब ठीक है बस एक ट्वेंटी सेवन मार्शे जो है ना उनकी वजह से दोबारा हमें लिखना पड़ा अदरवाइज़ डाटा बाकी सारा जो है आपको ऑर्डर में ही दे रखा था तो अब देखो तीसरे नंबर पर कौन सी ऑब्जर्वेशन है तो तीसरे नंबर पर ऑब्ज़र्वेशन है ट्वेंटी टू तो क्यू वन की वैल्यू तो आ गई ट्वेंटी टू अब क्यू थ्री की वैल्यू निकाल दें तो Q3 के वैल्यू के लिए सिंपली आपको इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास यहाँ पर कितना आया था थर्ड आया था तो थर्ड को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री थ्री जा नाइन तो यहाँ पर आ जाएगी नाइन्थ ऑब्जर्वेशन ठीक है थ्री को बाहर लिखना तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन देखो इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यानी फिफ्टी तो आपके पास Q3 आ गया Q1 आ गया डेविएशन आपसे पूछ रहा है तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला रहता है Q3 minus Q1 divided by 2. तो ट्वेंटी एट बाई टू मतलब आंसर आ जाएगा फोर्टीन तो क्वार्टाइल डेविएशन तो बना इसका फोर्टीन उसके बाद आते हैं हम नेक्स पर नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन तो मीडियन हो या क्वार्टाइल हो ये निकालने के लिए आपको डाटा को ऑर्डर में अरेंज करना ही है तो यहाँ पर तीन के बाद इलेवन है फिर ट्वेल्व है एटीन है, है। ये अरेंज करके दे रखा है एक काम हमारा बचा दिया अब यहाँ पर मीडियम तो ठीक है तो एन की वैल्यू अगर फाइव है तो मीडियन का फार्मूला क्या रहता है एन प्लस वन टू, में। तो एन आपके पास है फाइव प्लस वन बाय टू मतलब थर्ड टर्म तो थर्ड टर्म यहाँ पर आपके पास है इलेवन ठीक है ये बन गया हमारा मीडियन अब ये मीडियन है तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन चाहिए तो यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी में से आपको मीडियन को माइनस करके पहले उसका डेविएशन निकालना है कि वो मीडियन से कितना डिस्पर्स है तो हमें यहाँ पर निकालना है एक्स आई माइनस मीडियन और उसकी मोड वैल्यू आपको चाहिए साथ साथ उसका सम करते चलेंगे तो थ्री माइनस इलेवन करेंगे तो माइनस एट आएगा प्लस एट लिखो क्योंकि मोड वैल्यू लिखनी है सिक्स माइनस इलेवन फाइव इलेवन माइनस इलेवन ट्वेल्व माइनस इलेवन एटीन माइनस इलेवन तो सात आठ पाँच तेरह तेरह और आठ इक्कीस तो भैया ये आ गया आपके पास इक्कीस अब आपसे पूछा है इसने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में फार्मूला रहता है सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन बाय फाइव तो आंसर तो आ जाएगा आपका फोर पॉइंट टू ठीक है ये आ गया आपके पास थर्ड का आंसर फोर्थ में क्या करते हैं फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ठीक है बिल्कुल सेम चीज़ें मीन निकालना है पहले मीडियन निकाला था अब आपको मीन निकालना है तो यहाँ पर आप मीन निकालेंगे तो आ जाएगा वन प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस टेन प्लस ट्वेल्व ठीक है डिवाइडेड बाई टर्म है ठीक है तो बारह ये हो गया और दस ये हो गया बाईस बाईस और दस बत्तीस बत्तीस और दस बयालीस यानी फोर्टी टू तो ये आ जाएगा आपके पास मीन अब यहाँ पर भी सेम आपको सबमिशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन फाइंड कर लेना है तो पहली ऑब्जर्वेशन है वन इसमें ऑर्डर वॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है दिया है तो ठीक है नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं वन माइनस सेवन सिक्स हो गया एबसुलूट वैल्यू लेनी है तो प्लस में लिखना है आपको थ्री माइनस सेवन सेवन माइनस सेवन नाइन माइनस सेवन टेन माइनस सेवन ट्वेल्व माइनस सेवन पाँच तीन आठ दो तो दस 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 ही हो गया बीस तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको फाइंड करना तो है तो फार्मूला रहेगा सिग्मा एक्स आई माइनस मीन डिवाइड बाई एन तो ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्स तो टेन बाई थ्री हो जाएगा तो टेन बाई थ्री लिख लो या थ्री पॉइंट थ्री थ्री ये आपका आंसर आ जाएगा तो मीन डाइवेशन अबाउट मीन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्वेश्चन नंबर तो यहां पर कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन अब पीछे जो मीडियन वाला क्वेश्चन करा था वैसा ही क्वेश्चन है बस फर्क क्या है यहां पर एन की वैल्यू आपको सिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव होना चाहिए ना ये टू सेवन नाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है ये तो एन की वैल्यू यहां पर सिक्स दे रखी है बस इतना ही फर्क है तो जब एन की वैल्यू आपको सिक्स दे रखी होती है मीडियन का जो फार्मूला होता है क्या फार्मूला रहता है मीडियन का एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म और फिर इन दोनों की एवरेज क्योंकि जब ऑड जब इवन नंबर में होते हैं तो कोई एक मिडिल वैल्यू तो होती नहीं है तो जो दो मिडिल वैल्यू होती है उनकी एवरेज निकाल लेते हैं तो एन यहाँ पर है सिक्स और यहाँ पर आ जाएगा सिक्स बाई टू प्लस वन यहाँ पर आएगा थर्ड टर्म इधर आएगा फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय टू डाटा देखो ऑर्डर में अरेंज है टू के बाद सेवन नाइन इलेवन फिफ्टीन सिक्सटीन ऑर्डर में अरेंज है तो थर्ड टर्म आपकी आ गई इलेवन फोर्थ टर्म आ गई थर्ड टर्म है नाइन्थ फोर्थ टर्म है इलेवन क्या देगा ट्वेंटी बाई टू मतलब टेन तो इसका मीडियन आ गया टेन फिर हमें क्या काम करना है वो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन निकालेंगे तो टू माइनस टेन एट हो गया सेवन माइनस टेन नाइन माइनस टेन इलेवन माइनस टेन फिफ्टीन माइनस टेन सिक्सटीन माइनस टेन तो छः पाँच ग्यारह बारह तेरह तेरह और तीन सोलह सोलह और आठ चौबीस ट्वेंटी फोर तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन टी फोर डिवाइडेड बाय कितनी टर्म थी कितनी टर्म थी 6. तो आंसर आ जाएगा इसका फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर फोर उसके बाद अब चलते हैं 6 पर 6 में कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एज वेल एज मीडियन तो मीन और मीडियन दोनों से निकालना है तो अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं वही बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम ठीक है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपने पिछले दोनों क्वेश्चन समझ लिए हैं तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये आपके पास है मीन डेविएशन अबाउट मीन जब आप निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे तो इसका आंसर है टू पॉइंट सेवन फाइव और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे तो इसका आंसर बनेगा टू पॉइंट सेवन फाइव दोनों आंसर सेम बन रहे हैं ठीक है और सेकेंड पार्ट में मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर आप निकालते हैं तो इसका फार्मूला रहेगा और इसका आंसर रहेगा टेन पॉइंट फोर थ्री और ये वाला आंसर भी इसका सेम ही रहेगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी दोनों का सेम ही रहेगा ठीक है तो इसका मतलब इसका मतलब ये होगा कि दोनों का मीन और मीडियन यहाँ पर सेम निकल रहा होगा ठीक है दोनों का मीन और मीडियन की वैल्यू सेम निकल रही होगी तो सेम वैल्यू आएगी तो उनका डिविशन भी सेम आएगा डेविजन सेम आएगा तो आगे जो आंसर है वो भी इसका सेम ही आएगा उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में अब वो कहता है कि फाइंड कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो वही क्यू वन चाहिएगा आपको और क्यू थ्री चाहिएगा अब यहाँ पर डाटा आ गया आपके पास डिस्क्रीट डिस्क्रीट नहीं ग्रुप डाटा आ गया तो ग्रुप डाटा में सबसे पहला काम तो अभी कर देगी निकाल निकालने क्योंकि एक सही तो आपको यहाँ पर चाहिए कि नहीं चाहिएगी तो कोटल डिविशन का जो फार्मूला होता है जो मीन का हमारा मीडियन का फार्मूला होता है वही फार्मूला रहेगा एल प्लस में एन बाई फोर माइनस सी एफ अपन में एफ़ इन टू में एच तो मेरे ख्याल यहाँ पर अच्छा क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर थर्टी से थर्टी फोर यानी यहाँ पर आपको जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें यहाँ पर गैप दिया हुआ देख, है देखिए थर्टी फोर है ये थर्टी फाइव है ठीक है थर्टी फोर थर्टी फाइव यहाँ पर क्या होना चाहिए दोनों सेम होनी चाहिए तो जब भी ऐसे क्लास इंटरवल दिया होता है तो पहले उस क्लास इंटरवल को हम एडजस्ट करते हैं। तो उसको लिख सकते हैं। ऐसे क्लास इंटरवल को एडजस्ट हम कैसे करते हैं जिसकी लोअर लिमिट होती है उसमें से जीरो पॉइंट फाइव माइनस कर देते हैं और जो अपर लिमिट होती है उसमें जीरो पॉइंट फाइव प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर जीरो पॉइंट फाइव माइनस करोगे तो आएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव इसमें प्लस करोगे तो बन जाएगा थर्टी फोर पॉइंट फाइव फिर आगे यहाँ पर थर्टी फोर पॉइंट फाइव थर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिर थर्टी नाइन पॉइंट फाइव फोर्टी फोर पॉइंट फाइव फिर फोर्टी फोर पॉइंट फाइव से फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ऐसे यहाँ पर पूरे को लिख लेंगे तो जब भी इस तरह का आपको क्लास इंटरवल दे रखा हो तो हमेशा आप इसको पहले एडजस्ट करेंगे एडजस्ट करके आपकी जो यहाँ पर अपर लिमिट है यहाँ लोअर लिमिट है ये सेम रहनी चाहिए ठीक है उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसके हेल्प से आप पहले इसकी सी एफ निकाल लो तो पहले वाली वन है फ्रीक्वेंसी तो पहली तो वन रहती है सी एफ का मतलब होता है कम्यूलेटि फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसीज को कम्यूलिटे करते कम्यूलेट करते जाओ इकट्ठा करते जाओ तो पहली तो वन है वन के बाद यहाँ पर क्या टू तो वन को टू में ऐड कर दो अब तक टोटल थ्री हो गई थ्री प्लस सिक्स नाइन होगी नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन होगी सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस अलेवन थर्टी सिक्स प्लस एट फोर्टी फोर प्लस सेवन फिफ्टी वन प्लस फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी नाइन यहाँ पर आ गया सिक्सटी इसका जो टोटल है ये भी आपका सेम बनना चाहिए सिक्सटी अगर टोटल डिफरेंट हो गया तो मतलब फिर हमने कहीं ना कहीं गलती करी है तो उस गलती को आपको ठीक कर लेना है लेकिन फ़िलहाल हमारा टोटल यहाँ पर ठीक है अब हम निकालते हैं यहाँ पर जो क्वाटल का फार्मूला रहेगा Q1 के लिए फार्मूला क्या रहेगा L प्लस में n बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन में f में h अब ये सारी चीज़ें निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा एन बाय फोर ठीक है एन यहाँ पर है सिक्सटी तो जब आप एन बाय फोर निकालोगे तो सिक्सटी बाय फोर मतलब आ जाएगा आपके पास फिफ्टीन अब यहाँ पर सी एफ में आपको देखना है कि फ़िफ्टीन यहाँ पर है या नहीं है अगर फिफ्टीन नहीं है तो उससे अगला जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल को हमें टारगेट करना है ठीक है फ़िफ्टीन देखो यहाँ पर नहीं है फिफ्टीन नहीं है तो फिफ्टीन से अगली टर्म है सिक्सटीन तो सिक्सटीन का जो क्लास इंटरवल है ये हमारी क्लास बनेगी जिसके हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी ठीक है तो क्लास इंटरवल क्या लेंगे हम यहाँ पर फोर्टी फोर पॉइंट फाइव से फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव अब इसमें देखो कि एल आपके पास फोर्टी फोर पॉइंट फाइव है एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल एच अगर आप इसका देखोगे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है फाइव का डिफरेंस आ रहा है फ्रीकवेंसी इसकी लेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसके सामने देखो सेवन है तो सेवन आ जाएगी और जो इसकी सी एफ होगी कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी तो कम्यूनिटिव सिक्सटीन नहीं लेनी है सिक्सटीन से पिछले वाली लेते हैं नाइन ठीक है 9. जो भी यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी आप चूज करोगे उससे पहले वाली जो सी एफ है वो हमेशा लेते हैं तो अब ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर फार्मूले में डाल दो ठीक है तो एल की जगह आपके पास आ गया फोर्टी फोर पॉइंट फाइव एन बाय फोर की वैल्यू थी फिफ्टीन सी एफ ली हमने नाइन फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी है सेवन और एच एस का फाइव तो यह आ गया फोर्टी फोर पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टीन माइनस सिक्स सिक्स फाइव जै थर्टी अपॉन में सेवन तो फोर्टी फोर पॉइंट फाइव सेवन से इसको डिवाइड करोगे सेवन फोर जै ट्वेंटी एट बचेगा टू तो टू बचेगा तो सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन होता है तो बिल्कुल इसके क्लोज आ रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ करके वैल्यू को ले सकते हो तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्टी एट पॉइंट एट तो ये तो बन गया आपके पास Q1 ठीक है अब निकालते हैं हम क्यू टू सॉरी Q2 टू नहीं क्यू अब Q3 के लिए भी हम क्या काम करेंगे यहाँ पर n बाय फोर निकाला था Q3 के लिए निकालेंगे थ्री एन बाय फोर तो सिंपल है भाई थीन को पंद्रह से मल्टीप्लाई कर दो फोर्टी फाइव हो गया अब फोर्टी फाइव देखो यहाँ पर फोर्टी फाइव कहाँ है फोर्टी फाइव यहाँ पर नहीं है तो उस फोर्टी फाइव से अगला है फिफ्टी वन आ रहा है तो फिफ्टी वन के सामने क्लास आ रही है आपकी ये वाली तो ये क्लास इंटरवल लेके चलेंगे हम 64.5 से 69.5 तक अब इसमें एल की वैल्यू है 64.5, फोर एच इसके अंदर फाइव ही रहेगा एफ एफ यहाँ पर है सेवन और सी एफ सी एफ़ देखो इससे पहले है 44। अब ये सारी वैल्यू आप Q3 के लिए यहाँ पर पुट कर दो तो फार्मूला क्या रहेगा एल प्लस यहाँ पर आ जाएगा थ्री एन बाय फोर बस इतना ही फ़र्क आएगा माइनस सी एफ अपॉन में एफ इन टू एच बाकी सब चीज़ें सेम तो एल की वैल्यू ली हमने सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव थ्री एन बाई फोर की वैल्यू है फोर्टी फाइव सी एफ है फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई सेवन इन टू में फाइव तो सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव यहाँ पर आएगा वन तो फाइव अपॉन में सेवन तो ये आ जाएगा आपके पास जीरो पॉइंट सेवन सेवन फोर्टी नाइन ठीक है वन बचेगा तो इसको भी राउंड ऑफ करके आप बेशक इतना ही छोड़ सकते हो क्योंकि सेवन के बिल्कुल नज़दीक है वैल्यू अगर दो डेसिमल में निकालना है तो आप सेवन वन जैवन एक आगे वैल्यू ले सकते हो ठीक है बाकी इतना भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है तो यह आ जाएगा सिक्सटी फाइव पॉइंट टू तो आपके पास क्यू वन आ गया क्यू थ्री आ गया अब आपको निकालना है क्वार्टल डेविएशन तो क्वारल डेविएशन का फार्मूला रहेगा क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय तो 65.2 में से माइनस करेंगे 48.8 डिवाइड कर देंगे टू से तो बारह में से आठ चार चौदह में से आठ गए छः पाँच में से तो आ जाएगा 8.2 ठीक है अप्रोक्सी रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली थी तो वैल्यू इसकी अप्रॉक्सी आएगी तो आपको जो आंसर दे रखा है बुक में वो दे रखा है एट तो दो डेसिमल में आप निकालोगे तो एट भी आ जाएगी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर यहाँ पर क्या था फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन तो अबाउट द मीन निकालना है तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा मीन निकालने के लिए आपको एक्स आई दे रखिए एफ आई दे रखिए तो सीधा आप निकालो एफ आई एक्स आई तो वन इंटू थ्री 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 ज़रा नाइन फाइव फोर ट्वेंटी सेवनटीन फोर जा नाइन्टी एट नाइन सेवन जहाँ सिक्सटी थ्री एलेवन फोर जा फोर्टी फोर थर्टीन थ्री नाइन फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी ये आ गया अब इसका टोटल करो तो टोटल आप करोगे इसका देखो साठ तो ये हो गया साठ और बीस अस्सी तो ये हो गया अस्सी के अंदर अगर मैं अस्सी के अंदर ये सौ में जोड़ दू यहाँ से अठानवे की जगह सीधा सौ जोड़ दूँ तो एक हो गया और एक मैंने यहाँ से ले लिया दस ये हो गया एक हो गया यहाँ तक एक सौ नब्बे ही हो गया और इन दोनों इन तीनों को एड कर लो ये कितना है नौ और चार तेरह तेरह और तीन सोलह छः चार दस दस तीन तेरह और एक चौदह और एक सौ नब्बे हमारे पास पहले आ गया था तो आ जाएगा थ्री थ्री सिक्स ठीक है कैसे मर्जी आप टोटल करना बस टोटल आपका सही होना चाहिए ठीक है जो मर्ज़ी आप यूज़ करो ट्रिक और जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल देखो फोर्टीन यहाँ पर है चौदह चार अट्ठारह अट्ठारह छः चौबीस चौबीस सात इकतीस इकतीस और चार पैंतीस पैंतीस और सात बयालीस तो फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी फोर्टी टू अब पहला काम है कि हमें मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए थ्री थ्री सिक्स को डिवाइड कर दो आप फोर्टी टू से तो देखो छः से कट जाएगा छः पंजे तीस छत्तीस छः सत्ते बयालीस सात अठे छप्पन तो मीन तो आ गया आपके पास एट अब मीन डेवेशन अबाउट मीन का फार। फार्मूले अगर आपको सारे याद है ना तो आपको ये पता रहेगा कि आगे मुझे क्या क्या निकालना है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज दी होती है उसमें फार्मूला रहता है एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस मीन का मोड वैल्यू यानी एक्स आई माइनस मीन की मोड वैल्यू निकालो उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करो तो पहले तो आपको एक्स आई माइनस मीन की मोड वैल्यू निकालनी है तो एक्स आई आपके पास ये सारी है और ये वैल्यू आपके पास मीन आ गई तो वन माइनस एट सेवन ठीक है माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है ग्यारह में से आठ गए तीन तेरह में से आठ गए पाँच पंद्रह में से आठ गए सात अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको एफ आई से तो एफ आई है थ्री थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री फाइव जा फिफ्टीन फोर थ्री जा, ट्वेल्व फोरटीन सेवन फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व फाइव थ्री जा, फिफ्टीन फोर सेवन जा ट्वेंटी एट अब इनको ऐड करो देखो अट्ठाईस ये और बारह ये चालीस हो गया चालीस और पैंतालीस पचपन पचपन और सात बासठ सिक्सटी टू यहाँ तक हो गया बासठ और चार छियासठ छियासठ और दस छिहत्तर छिहत्तर और दो अठहत्तर दस अट्ठासी अट्ठासी पाँच तिरानवे और दस एक सौ तीन एक सौ चौबीस तो इसका टोटल बना वन टू फोर ठीक है अब आपको चाहिएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन तो फार्मूला हो गया सिगमा एफ आई एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन लिख लो या सिग्मा एफ आई लिख लो तो ये आपके पास 124 है एफ आई का टोटल 42 आया था और ये कटेगा दो पे तो कट ही जाएगा दो दुनिया चार और तो ये कटेगा नहीं तो 21 दुनिया बयालीस इक्कीस दिए तिरसठ तो 21 को तीन से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्सटी आता है और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है तो यानी टू पॉइंट नाइन समथिंग ही आएगा टू पॉइंट नाइन समथिंग आएगा एक और प्लेस निकालना है तो फिर भैया डिवाइड कर लो क्योंकि इतनी कैलकुलेशन नहीं होती ठीक है ट्वेंटी वन टू जहा फोर्टी टू बीस आएगा यहाँ नाइन से देखो नाइन वन ज़ा नाइन नाइन टू एटीन और नौ में से आठ गए एक इक्कीस पंजे एक सौ पाँच तो टू पॉइंट नाइन फाइव ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ठीक है ये बना आपका mean about, mean, about mean. उसके बाद चलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपसे है डाटा उसी तरीके का डिस्क्रीट डाटा दे रखा है तो डाटा इसमें मीडियन कैसे निकालते हैं एफ आई का टोटल करो और सी एफ निकाल लो तो तीन पांच आठ छः चौदह सात इक्कीस आठ उनतीस ठीक है इसका टोटल करेंगे तो उनतीस आएगा अब एन आपको दे दिया यहां पर ट्वेंटी नाइन तो मीडियन क्या होगा इसका मीडियन हो जाएगा ट्वेंटीड बाई नंबर में है तो आ जाएगा फिफ्टीन टर्म और फिफ्टीन टर्म आप यहाँ पर देखोगे सी में में फिफ्टीन है यहाँ पर या नहीं है अगर फिफ्टीन नहीं है तो फिर उससे अगली टर्म पे जाएंगे ठीक है उससे अगली टर्म पे आप जाएंगे तो देखो कौन सी वैल्यू है आपके पास फिफ्टीन से अगली टर्म में ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन के सामने क्या आ रहा है एक्साई क्या है थर्टी तो मतलब आपका जो मीडियन है इसमें ये दे रखा है थर्टी ठीक है मीडियन निकल गया अब मीडियन निकालने के बाद मीन डेविशन अबाउट मीडियन आपको निकालना है तो उसके लिए पहले डेविशन निकालते हैं मीडियन के हिसाब से एक्स आई माइनस मीडियन तो एक्स आई आपकी पंद्रह पंद्रह में से तीस माइनस करोगे तो पंद्रह ही बचेंगे फिर इक्कीस में से करोगे नौ सत्ताईस में से करोगे तीन तीस में से तीस करोगे जीरो पैंतीस में से करोगे तो पाँच इसको मल्टीप्लाई कर दो आप एफ आई से तो फिफ्टी एफ आई ए थ्री फिफ्टीन फोर्टी फाइव हो गया नाइन फाइव 45 फाइव हो गया सिक्स थी 18 एटीन हो गया इधर से जीरो हो गया एट फाइव 40 हो गया तो देखो नब्बे तो ये हो गया नब्बे और सौ एक सौ आठ एक सौ आठ हो गया और चालीस यानी एक सौ अड़तालीस वन फोर्टी एट ये टोटल आ गया तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या सिगमा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय तो so 148 डिवाइडेड बाय 29, 148 को डिवाइड कर लो आप 29 से तो चार पाँच छः चौवन छः दूनी पाँच ग्यारह छः सात सात निम तिरसठ साठ दूनी चौदह छः बीस छः से छः से भी नहीं जाएगा छः निम चौवन छः दूनी बारह पाँच सत्रह तो चार से जाना चाहिए आई थी ये चार निम छत्तीस चार, चार दूनी आठ और तीन ग्यारह पाँच से करते तो पाँच पैंतालीस पाँच दो नहीं दस चार चौदह पाँच से चला जाएगा तो फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव फाइव जो टेन और फोर फोर्टीन तीन आ गया जीरो लगाएंगे डेसिमल आ गया वन पे जाएगा तो फाइव पॉइंट वन जीरो सिंपली आप फाइव पॉइंट वन लिख दो है। ठीक है उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेंथ पर अब टेंथ में कहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन तो अब यहाँ पर फिर अबाउट द मीन है लेकिन अब यहाँ पर मतलब वो सीरीज चेंज करते जा रहे हैं पहले इंडिविजुअल सीरीज दे दी थी, थी फिर डिस्क्रीट दे दी और अब ग्रुप सीरीज दे दी तो ग्रुप में अब क्या करना है आपको आ, क्या निकालना है मीन निकालना है मीन निकालने के लिए पहले तो आपको एक्साइज चाहिएगी तो आप मीन किसी भी तरीके से निकाल सकते हो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ या फिर आप शॉर्ट कट फार्मूला लगाओ मीन का तो यहाँ पर डाटा सिंपल है तो मेरे ख्याल से ठीक ये वाला फार्मूला ही चलेगा बेटर तो इसके एक्साइड निकालेंगे दस से बीस के बीच में आ जाएगी पंद्रह तो एक्साइड निकालने का तरीका क्या होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो या सीधा देखो भाई बीस और दस के बीच में सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है फिफ्टीन आगे दस दस का गैप है तो यहाँ पर दस दस बढ़ाते जाओ अब एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करो फिफ्टीन टू जो थर्टी सेवनटी फाइव आठ पंजे चालीस आठ तीन चौबीस और चार अट्ठाईस चौदह पंजे सत्तर चौदह चौक छप्पन और सात तिरसठ और आठ पंजे चालीस और चार चौवालीस तीन पंजे पंद्रह तीन छः अट्ठारह उन्नीस और या आ जाएगा वन फिफ्टी इसका टोटल आगे इसका टोटल करो टोटल करेंगे तो देखो पाँच और पाँच दस बचा आपके पास एक पे तीन और एक चार सात ग्यारह ग्यारह और आठ उन्नीस उन्नीस तीन बाईस सात छब्बीस नौ पैंतीस पाँच चालीस बचे चार चार और दो छः 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 बारह चार सोलह सोलह और दो अट्ठारह तो मीन निकालेंगे मीन आ गया आपके पास एटीन हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर्टी इससे कैंसिल चार चौ सोलह चार पंजे बीस तो मीन आ गया हमारे पास फोर्टी फाइव अब मीन फोर्टी फाइव आ गया तो आपको चाहिए अब मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीन अब देखो यहाँ पर क्योंकि सबका गैप सेम है तो आप क्या करो सेंटर वाली वैल्यू पहले निकाल लो और उसमें भी फोर्टी फाइव हमारे पास है तो फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फाइव करोगे जीरो अब ऊपर दस दस कम हो रहा है तो दस दस का गैप ऊपर करते जाओ दस बीस क्योंकि मोड वैल्यू लिखनी है तो माइनस साइन लगाने की जरूरत तो हमें है नहीं ठीक है सारी वैल्यू प्लस में लिखो नीचे भी अच्छा जाएगा दस बीस और तीस फिर इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है आपको एफ आई या टू थर्टी को टू से करेंगे फिर एट्टी यहाँ तो जीरो भी एट्टी बीस साठ और तीस दी साठ तो एक जैसे से डा, डाटा आ रहा है तो आठ छः चौदह चौदह और 6 बीस बीस ये मतलब दो सौ हो गया दो सौ ऊपर के हो गया मतलब चार सौ हो गया सीधा तो मीन डेविशन अबाउट मीन निकालते हैं तो टोटल आया फोर हंड्रेड डिवाइड करना है फोर्टी से आंसर आ गया तो ये बना आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट में कहता है कि आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन तो अब यहाँ पर मीडियन में निकालने के लिए आपको i की जरूरत पड़ेगी आगे जाके ठीक है मीडियन निकालने के लिए तो नहीं पड़ेगी लेकिन आगे जाके तो पड़ेगी तो हम निकाल लेते हैं i भी तो जीरो और छः के बीच में तीन आ जाएगा अब यहाँ पर देखो छ का गैप है तीन और छः नौ नौ और तीन बारह बारह और तीन पंद्रह पंद्रह और तीन ओहो छ का गैप था ना नौ और छः पंद्रह पंद्रह और छः इक्कीस इक्कीस और छः सत्ताईस ये हो गया अब मीडियन निकालने के लिए आपको सी एफ की जरूरत होती है तो सी एफ आई आपके पास चार चार और पाँच नौ नौ और तीन बारह बारह और छः अट्ठारह और दो बीस इसका जो टोटल है ये भी आ जाएगा बीस अब यहाँ पर क्योंकि डाटा ग्रुप्ड है तो इसमें मीडियन का फार्मूला दूसरा वाला लगेगा इंडिविजुअल सीरीज़ तो हम पहले क्या करते हैं एन बाई तो तो में, में है, तो तो उसका क्लास इंटरवल लेंगे तो इसको ये मीडियन क्लास आपके पास आ मीडियन क्लास आ गई ट्वेल्व से 18. तो इसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड करते हैं एल की वैल्यू ट्वेल्व आ गई लोअर लिमिट एच इन दोनों का गैप सिक्स आ गया एफ इसके जो एफ है वो है थ्री और सी एफ इसका सी एफ आएगा इससे ऊपर वाला यानी नाइन तो अब आप निकाल दो यहाँ से मीडियन का फार्मूला लगाओ जैसे हमने क्वार्टाइल निकाला था क्वार्टाइल में एन बाई फोर होता था यहाँ पर एन बाई टू है तो एल की वैल्यू ट्वेल्व होगी n एन बाई टू टेन है सी एफ सी एफ सी एफ है नाइन एफ है आपके पास थ्री और एच है सिक्स तो इससे कैंसिल तो आ जाएगा ट्वेल्व प्लस टू यानि फोटीन तो मीडियन फोर्टीन आ गया तो अब आपको डेविशन निकालना है मीडियन से यानी एक्स आई माइनस मीडियन और फिर एफ आई से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो एक्स आई ये हमारे पास तीन में से फोर्टीन माइनस करोगे इलेवन आ जाएगा नाइन माइनस एलेवन नाइन माइनस फोर्टीन फाइव हो गया और यहाँ पे देखो छः छः का ही गैप है तो छः छः यहाँ पर कम करते हुए चलना है तो ग्यारह हो गया ग्यारह में से छः करोगे पाँच हो गया अब पाँच में अब यहाँ पर आपके पास अच्छा यहाँ पर वैल्यू बड़ी होगी फिफ्टीन माइनस फोटीन वन हो गया तो अब यहाँ पर ऐड करो सेवन हो गया सेवन प्लस में सिक्स थर्टीन हो गया ठीक है ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो बाकी माइनस करके निकालना चाहो माइनस करके निकाल दो अब फोर इंटू में एलेवन करोगे फोर्टी फोर हो गया फाइव इंटू फाइव थ्री इंटू वन सिक्स इंटू सेवन थर्टीन इंटू में टू इसको एड करो चार पाँच नौ तीन बारह बारह और छः अठारह और दो बीस बचे दो तो चार और दो छः ये छः ये बारह बारह और दो चौदह वन फोर्टी हो गया तो मीन डेविशन अबाउट मीडियन निकालते हैं तो आएगा वन फोर्टी डिवाइडेड बाई ट्वेंटी आ जाएगा आपके पास सेवन तो ये बना आपके पास आंसर तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं आई होप आपको इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे फिर भी कोई डाउट है कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन दे सकें आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्स ऑल ऑफ यू